तो देखो भाई, लास्ट क्लास में सर्कुलर कॉइल वाला एग्जांपल ये किया था, तो वो सेम पेज हमने ओपन किया है। ठीक है, उसमें एक टॉपिक हम लोग का रह गया था सोलेनाइड वाला। ठीक है, तो उसकी अब स्टार्ट करते हैं। तो सोलेनाइड, पहले तो आपको ना मतलब उसका फिगर फिजिकली कैसा होता है ये पता होना चाहिए कि सोलेनाइड को अगर हम लोग फिजिकली देखेंगे तो किस टाइप से दिखता है, और फिर उसके अंदर किस तरीके का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट पेज पर ना आपको ये सोलेनाइड की एक फिगर दिखा रहा हूँ। देखो, अगर आप इस फिगर को देखो तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर है। जैसे ये मैं फिगर के नंबर्स बोल रहा हूँ, नंबर वन फिगर, नंबर टू फिगर और ये नंबर थ्री। तो पहले आप फिगर नंबर टू पे देखो। आप इसमें ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक सिलेंडर होता है, मतलब एक सिलेंडर है। और उस सिलेंडर के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपर के कॉयल्स हैं, है ना, कॉपर की, ठीक है ना, कॉपर के तार लगे हैं इसके ऊपर और वाइंडिंग्स हैं। और अगर आप फिगर टू को ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारे टर्न हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्न है, इसके बगल में हमारा सेकंड टर्न है, इसके बगल में जाओगे तो थर्ड टर्न है इस तरीके से, एंड देन सो फोर्थ टर्न एंड इस तरीके से लास्ट में हम मान लेते हैं कि जो लास्ट वाला है वो मेरा nth टर्न होगा लास्ट में। तो और फिगर में अगर आप देखोगे तो इसके बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, मतलब एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये टाइट वाइंडिंग होती है। टाइट वाइंडिंग का मतलब होता है कि मतलब कंसेक्यूटिव फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट फिगर जो है वो आपको क्लैरिटी के लिए दिखाया गया है। फर्स्ट फिगर एक्चुअल फिगर नहीं है, फर्स्ट फिगर जो आपको दिखाया गया है जस्ट फॉर योर क्लैरिटी कि ये किस टाइप से है, मतलब ये स्प्रिंग जैसा है, जैसे स्प्रिंग होता है ना वैसा कॉयल होता है। बट यहाँ पर अगर आप फर्स्ट फिगर में देखोगे तो आपको फर्स्ट टर्न और सेकेंड टर्न और थर्ड टर्न इनके बीच में गैप दिख रहे होंगे, बट रियल में गैप होता नहीं है। तो रियल फिगर जो है वो सेकंड वाली है। फर्स्ट वाली फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि सोलेनाइड इज अ स्प्रिंग टाइप कॉयल, स्प्रिंग टाइप कॉयल है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एंड ऑब्वियसली इसकी कुछ लेंथ भी होगी। तो हम लोग इसकी लेंथ को एल से डिनोट कर लेते हैं, मान लो कि टोटल लेंथ एल है। तो यहाँ पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्मॉल एन सिंबल से। दैट मीन्स कि स्मॉल एन बेसिकली हम डिफाइन करना चाहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सब चीज़ें हम अभी आगे यूज करेंगे, इसलिए हम इस फिगर में आपको समझा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी डिनोटेड बाई स्मॉल एन एंड कैपिटल एन विल डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितने टर्न्स हैं यहाँ पर। जो आपके सामने सेकेंड फिगर है, आप लोग काउंट कर सकते हो कितने टर्न हैं इसमें सेकेंड फिगर में, एक बार काउंट करके बता पाओगे कितने टर्न हमने सेकंड फिगर में यूज किए हुए? सर 18। हाँ ठीक है, बट रियल प्रैक्टिस में ये तो आपको पिक्चर बनाई गई है, देखो एक फोटोग्राफ है ये, है ना, जस्ट एक पिक्चर है, इमेज है, ये रियलिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 टर्न होते हैं। रियल प्रैक्टिस में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में आएंगे आपको, 1000 टर्न, 500 टर्न, 2000 टर्न एक्चुअल में। ये सिर्फ आपको डायग्राम समझाने के लिए लिया गया है, तो इतने कम टर्न नहीं होते रियल में, आपको नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा मिलेंगे। और अगर इसमें जो ये वायर यूज किया गया है ना, ये जो वायर मैंने यूज किया है इसके अंदर, मतलब फिगर में, अगर आप उस फिगर में एक वायर की बात करें तो इस एक वायर का जो थिकनेस होगा, डायग्राम को समझने की कोशिश करना, इसमें से जो एक वायर हम यूज करेंगे ऐसे करके, तो ये जो थिकनेस है इस वायर की, जो थिकनेस, इसको डी मान लो आप, है ना, डी मान लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वायर की थिकनेस भी डी होगी, उसके अगले वायर की थिकनेस को भी डी कह सकते हो, एंड सो ऑन, सबका डी होगा। तो आप क्या आप रिलेट कर पाओगे कैपिटल एल यानी कि लेंथ को, डी को और कैपिटल एन, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर हम एक एक टर्न को डी विड्थ का मानते हैं कि एक टर्न जो है वो डी विड्थ की है, मतलब ये डिस्टेंस डी है, नेक्स्ट टर्न डी है, उसके बाद वाला टर्न डी है और दो टर्न के बीच में कोई गैप नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि डी नंबर ऑफ टर्न्स एन और एल के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए? बोलो, कोई मैथमेटिकल रिलेशन आप लोग को लगता है कि आएगा या नहीं आएगा, बताओ। L is equal to DN. L equals to? L is equal to DN.
किस बेसिस पर हो रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, एल इक्वल टू, बिकॉज अगर हम सबकी विड्थ डी 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 एड कर दें तो एन मल्टीप्लाइड बाय डी, ओके, एन मल्टीप्लाइड बाय डी कह सकते हो इसको, कि ये एन इंटू डी होगा, क्लियर है? तो यहाँ से एन अपॉन एल जो है ना, एन बाई एल, इसी रिलेशन से, ये जो एल इक्वल टू एन इंटू डी कह रहे हो, इससे एन बाई एल, कैपिटल एन बाई एल, इसको हम स्मॉल डी भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल करने के लिए इसको आप स्मॉल डी का भी यूज करोगे, जिसमें स्मॉल डी बेसिकली डायमीटर ऑफ द वायर है, कि एक वायर जो हम ले रहे हैं ये कितनी डायमीटर का होगा, इसकी डायमीटर, वायर की डायमीटर, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया सोलेनाइड का फिजिकल अपीयरेंस, कि किस तरीके से वो दिखता है हमें। अब थर्ड फिगर में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट किया गया है, थर्ड फिगर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट किया है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि जो क्वाइल्स हैं, थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल व्यू लिया हम लोगों ने यहाँ पर, कि सोलेनाइड बेसिकली, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, सोलेनाइड को ये भी कहा जाता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे परमानेंट मैग्नेट होते हैं वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इसके अंदर एक नॉर्थ पोल आएगा और एक साउथ पोल भी आएगा। आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड पर मैंने नॉर्थ पोल दिखा रखा है और राइट हैंड साइड पर ये साउथ पोल दिखा रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि कौन सा साइड नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साइड साउथ पोल होगा, ये पता कैसे चलेगा, कि अगर सोलेनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि इसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरीके से काम कर रहा है और कौन सा एंड साउथ पोल की तरीके से काम कर रहा है। तो ये पता लगाने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। हमने जो थर्ड फिगर ली हुई है उसमें अगर आप देखो, ग्रीन कलर से ये इंडिकेट किया है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें अंदर की तरफ जा रही है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो अंदर की तरफ है, और राइट साइड से इलेक्ट्रिक करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जो राइट साइड है वहां से इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब जरा हमारे फिगर पे आप ध्यान से देखना, मैं जो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आप फॉलो करिएगा, हमारे मतलब कर्सर की मूवमेंट को फॉलो करना, कि ये जो करंट अंदर जा रहा है इन, ठीक है, ये करंट फर्स्ट वायर में जा करके, फर्स्ट वायर में जब जाएगा तो उसके बाद ये पहली वाली क्वाइल में मूव करेगा, ऐसे फर्स्ट क्वाइल में जो पहला वाला टर्न है उसके अंदर ये इस तरीके से चलेगा, ग्रीन कलर से जो मैं मूव कर रहा हूँ। तो अगर आप लेफ्ट साइड यहाँ पर मान लो खड़े हो, इसकी लेफ्ट साइड पर खड़े हो, तो ये बताओ करंट का मूवमेंट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है कि ये जो मूवमेंट ऑफ करंट है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है? एक बार फिर देखना, ग्रीन मतलब रेड स्पॉट से दिखा रहा हूँ, ये स्पॉट ऐसे अंदर जाएगा और फर्स्ट वाइंडिंग में पहले वाले टर्न में ये करंट ऐसे, आप मुझे बताओ ये मूवमेंट आपको कैसा दिखेगा, जिस तरफ आप खड़े हो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है? उल्टी घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, शाबाश, उल्टी घड़ी, उल्टी घड़ी, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, सही पकड़े हो, उल्टी घड़ी, ठीक। तो ये जो उल्टी घड़ी है ना, जिस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उस तरफ हम कहते हैं नॉर्थ पोल आएगा। मतलब अगर हम सोलेनाइड के साइड पे खड़े हो जाएं और सामने से देखें कि सोलेनाइड कैसे, मतलब सोलेनाइड के अंदर देखो, आप उस सिलेंडर के अंदर की तरफ देखो, और जिस तरफ से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता हुआ दिख जाए, कह देना कि ये नॉर्थ पोल है। जिस तरफ से करंट सोलेनाइड में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखेगा उसे हम अपना नॉर्थ पोल इमेजिन कर लेते हैं। और इसको याद करने का एक तरीका भी है, है ना, एक स्टाइलिश एन, और देखो ऐसे करके अगर एन बनाओ और उस पर एरो पुट कर दो, तो ये एरो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब ये एन को ही है, एन को थोड़ा सा कर्व कर दिया है, है ना, अल्फाबेट एन है, राइट, उसको कर्व कर दिया है। इससे क्या मालूम चल जाता है, ये कर्व आप बेसिकली देख करके मेमोराइज कर सकते हो कि अच्छा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो नॉर्थ है, और साउथ के लिए हम लोग ये सिंबल याद करते हैं, अल्फाबेट एस बना करके एरो पुट कर दो, इसका मतलब जिधर से क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल है। तो जिस तरफ से करंट क्लॉकवाइज दिख जाए उस तरफ साउथ पोल, और जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए उस तरफ नॉर्थ पोल। तो ये तो हुआ पोल्स देखने का तरीका, कि किस तरफ नॉर्थ होना चाहिए और किस तरफ साउथ होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक सोलेनाइड जो होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसा कि बार मैग्नेट, जैसे कि बार मैग्नेट होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं हमारे, जैसा वो काम करेंगे वैसा ही सोलेनाइड काम करेगा, इसका कुछ अलग से तरीका नहीं है। और बार मैग्नेट कैसा होता है देखो, आपको बताते हैं, रिकॉल करो, याद करो बार मैग्नेट कैसा था। देखो अगर हम बार मैग्नेट को रिकॉल करें,
तो ये कुछ इस तरीके से दिखाया गया था आपको, है ना, ऐसे करके अगर हम लोग बार मैग्नेट्स को फर्स्ट क्लास में देखा गया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं, वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, बार मैग्नेट्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होते हैं, अगर उनका एक तरफ हमने नॉर्थ पोल माना है और एक तरफ साउथ पोल माना गया है, तो हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं? याद करो, बार मैग्नेट के अंदर, अगर आप बार मैग्नेट के अंदर देखोगे तो बिल्कुल सेंटर पर वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, फिर यही लाइन मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर निकल जाती है और साउथ पोल की तरफ एंटर करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। और इसके अलावा बाकी की लाइंस जो होंगी ना वो कर्व करके दिखाएंगे, बाकी की लाइंस वो आप लगभग लगभग कर्व करेंगे। तो बाकी की लाइंस मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे सर्कल में बताया गया था आपको कि ये लाइंस धीरे से ग्रेजुअली कॉनकेव होती चली जाती है, एक लाइन आप बिल्कुल स्ट्रेट दिखाओ और बाकी लगभग कॉनकेव लाइंस आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। जी बच्चे लोग देखो, तो इंटरप्शन आ गया थोड़ा सा, तो ये लाइन कर्व होती है और ऐसे ही डाउनवर्ड साइड पर जब आप लाइन प्लॉट करेंगे तो ये भी स्लाइटली आपको कॉनकेव दिखाना पड़ता है इस तरीके से। तो ये कुछ कर्व लाइंस होती हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से, और इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, और ये जो लाइन होती है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लाइन वापस आएंगी, है ना, ये कहते हुए कि मैं वापस आ रहा हूँ, और ये वापस एक क्लोज लूप बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा क्लोज लूप होते हैं, जब चलेंगे तो घर भी लौट के आते हैं, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ देंगे परमानेंट अपना, जिस घर से निकले हैं उस घर में वापस जाना है इनको। सॉरी, ये साउथ साइड पर एरो गलत हो गया, साउथ साइड पे एरो अंदर जाएगा, तो नॉर्थ से वो अपना मैग्नेट छोड़ देते हैं और साउथ की तरफ आकर के वापस अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, ये हमने कह सकते हो कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बार मैग्नेट्स की, ठीक है, दिस इज फॉर बार मैग्नेट। एग्जैक्टली सेम काम अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एग्जैक्टली सेम लाइंस सोलेनाइड की भी होती है, एग्जैक्टली देखो थोड़ा सा, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, आप समझ पाओगे, सोलेनाइड के अंदर से ये लाइंस बाहर आ रही हैं और ये लाइन नॉर्थ वाले साइड से बाहर निकल रही है, नॉर्थ साइड से ये एरो दिखाएंगे तो नॉर्थ साइड से एरो बाहर की तरफ, ये जितने भी एरो आप दिखाओगे वो नॉर्थ साइड से बाहर की तरफ आना चाहिए, और ये लाइंस घूम करके वापस साउथ पोल में एंटर कर जाती है, मतलब साउथ से वापस के, मतलब घर के जिस दरवाजे से निकले दूसरे दरवाजे से अंदर घुसेंगे, ठीक है ना, एक दरवाजे नॉर्थ वाले दरवाजे से बाहर निकले और साउथ वाले दरवाजे से घर में घुस गए अपने। और इनसाइड सोलेनाइड भी ये होंगी, इनसाइड सोलेनाइड ये कनेक्टेड लाइंस होंगी, ये आपस में कनेक्ट है, अभी एक्चुअली ये फिगर अब इसके अंदर से झांक के तो नहीं देख पाएंगे, बट थोड़ा सा आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि सोलेनाइड के अंदर से लाइंस बाहर निकलती हैं, वापस साउथ पोल में एंटर करती हैं और ये हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे, ऑलवेज अ क्लोज पाथ, क्लोज लूप, जस्ट लाइक बार मैग्नेट, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक का बार मैग्नेट से कंपेरिजन समझ में आ रहा है इसका, ये लॉन्ग सोलेनाइड्स होते हैं ये सब बार। अच्छा, हम जो डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में, मतलब अपने लिमिट्स के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग सोलेनाइड का। अब लॉन्ग सोलेनाइड किसको कहते हो, लॉन्ग सोलेनाइड मतलब कितना लॉन्ग, किसको हम कहते हैं कि ये लॉन्ग सोलेनाइड है, देखो तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल वे में अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो लॉन्ग सोलेनाइड किस चीज को कहा जाएगा, अगर जो आप सोलेनाइड ले रहे हो उसका ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो इस सिलेंडर का कुछ रेडियस होगा भाई, इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, ये जो सिलेंडर हम देख रहे हैं इसका कुछ तो रेडियस होगा, यहां से यहां तक का रेडियस होगा, और इस सिलेंडर की एक लेंथ है ऐसे, तो लॉन्ग सोलेनाइड कहने का मतलब होता है, प्रैक्टिकली लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जो लेंथ है सोलेनाइड की वो बहुत बड़ी है और रेडियस बहुत छोटा है, है ना, स्ट्रॉ जैसा होता है, स्ट्रॉ जो कोल्ड ड्रिंक के लिए यूज करते हैं हम, पानी पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए स्ट्रॉ, वैसा पतला सा पाइप, पतला पाइप। फिगर में, फिगर हम लोगों ने बड़े रेडियस का दिखाया है तो ताकि आपको अंदर से डायग्राम क्लियर दिख जाए, बट एक्चुअल में रेडियस काफी कम होती है इसकी, मतलब कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो कि अगर 100 सेंटीमीटर का सोलेनाइड है और मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है वो कुछ 5 मिलीमीटर की है सिर्फ,
तो 5 मिलीमीटर की कंपैरिजन में 100 सेंटीमीटर बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप कंपेयर करो 100 सेंटीमीटर को 5 मिलीमीटर से, तो बहुत बड़ी लेंथ मानी जाती है ये। तो हम लोग जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने, वो सिर्फ लॉन्ग सोलेनाइड का डिस्कस करेंगे। स्मॉल सोलेनाइड्स का डिस्कशन जो है वो क्लास 12th में होता है, स्मॉल सोलेनाइड्स कैसे होते हैं। अभी फिलहाल आप लॉन्ग सोलेनाइड्स के डिस्कशन करोगे। ये तो हो गया कि सोलेनाइड की फिजिकल अपीयरेंस, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और किस तरीके से ये लाइंस जनरेट करता है और कैसे ये बार मैग्नेट के कंपैरिजन में आता है और बार मैग्नेट जैसा काम करता है ये, और पोल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर क्लियर है। फाइनली ये आता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अंदर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर आप इस एरो को ध्यान से देखो तो सोलेनाइड के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनसाइड सोलेनाइड क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ साइड से नॉर्थ साइड की तरफ है या नॉर्थ से साउथ की तरफ है, क्या बोलते हो आप लोग बताओ? इनसाइड साउथ से नॉर्थ, इनसाइड नॉर्थ। लाइंस को ध्यान से देखिए और बताइए क्या है सर? दक्षिण से उत्तर। अबे ये कौन है, ये कौन हिंदी भाषी जो है, बहुत साहित्य प्रेमी जो है। अच्छा ठीक है, चलो दक्षिण से उत्तर की तरह, बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना। भोजपुरी में भी बोल दे है भाई, कृष्णा बोलेगा सर लीला विष्णु क्या है, कौन दिशा में है भैया, बताओ जरा था, बताओ बताओ कौन दिशा में है सर? लवेश से पूछिए भाई, बोला था लवेश, बताओ भाई। सर मैंने हिंदी में बोला था ना, भोजपुरी कृष्णा बोलेगा। अबे अरे तुम जो है ना, चलो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। साउथ से नॉर्थ है, ये ध्यान रखिएगा, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ है। अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात आती है इसके मैग्नेट्यूड की, तो चलिए उसको लिए देखो। ये एक और फिगर मैंने दिखाया है, इसको ध्यान से देखो, है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट वेव एक्चुअली ये वेव भी होती है ना, तो ये अभी फिलहाल आप इस पर नजर ना डालें, है ना, अपनी आंखें बंद कर लें, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ आप बंद कर लें अपने आंखें, गांधी जी के उस बंदर की तरफ, जैसे कि बुरा मत देखूं, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सोलेनाइड अभी मत देखिए आप लोग, वो 12th क्लास में देखा जाएगा। ये भी एक फिगर है जो आपको रियलाइज करने के लिए है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जा करके और बाहर घूम के वापस आई है। इस फिगर में आप देखोगे तो नॉर्थ वाले पोल से मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो बाहर जाती हुई दिख रही हैं आपको, एक और क्लियर पिक्चर है ये। और साउथ वाले साइड पर अगर आप देखोगे तो लाइंस एंटर कर रही है, ठीक है। सो अब ये डायग्राम सारे क्लियर हो गए आपको, हर तरीके के डायग्राम मैंने दिखा दिए, ठीक है। पिक्चर बन गई आपके माइंड में, इसकी मेंटल इमेज बन गई किस तरीके का सोलेनाइड होता है और उसके अंदर लाइंस कैसी होती है। अब लोग, हम लोग जो इंटरेस्टेड हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये कि अंदर ये जो लाइंस हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखो, इस लाइन को ध्यान से देखना, तो जो अंदर वाला पोर्शन है सोलेनाइड के अंदर वाला, क्या लगता है आपको कि जो लाइंस हैं क्या वो पैरेलल जैसी दिख रही हैं आपको या फिर नॉन पैरेलल लाइंस हैं, बताओ? पैरेलल है, पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नहीं नहीं देखो, एक्चुअली लाइन, मैंने आपसे कहा था कि जब लाइंस काफी क्लोज होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी मीट नहीं करती। नहीं देखिए, ये पैरेलल का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के किसी भी पॉइंट पर एक जैसी है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना। हम लोग का कंसेप्ट क्या था कि लाइंस जहां ज्यादा डेंसिटी में आएंगी, मतलब जहां नजदीक आएंगी, क्लोज क्लोज आएंगी एक दूसरे के, बहुत क्लोज लाइंस होंगी, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड हम ज्यादा बोलते हैं। जैसे अगर आप मैग्नेट के बाहर देखो तो जहां पर ये नॉर्थ लिखा है, मैं इसको पॉइंट्स मार्क करूंगा, यहां पर ए मार्क कर रहे हैं और बाहर बी मार्क कर रहे हैं। आप बताओ ए और बी में से कहां पर आपको लगता है कि लाइंस के बीच स्पेसिंग कम है, मतलब कम स्पेसिंग पर लाइंस प्लॉट कर दी गई है? ए पे। तो आप कहोगे कि ए पर फील्ड स्ट्रांग है, ए पर स्ट्रांग फील्ड है, और बी पर वीक फील्ड मान सकते हो, मतलब यहां पर लेस वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की क्योंकि लाइंस ऐसी है। बट ऐसा अंदर नहीं दिख रहा आपको, अंदर वो लगभग पैरेलल हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। अगर अंदर में आप एक पॉइंट सी मान लो, फिर एक पॉइंट डी मान लो, और फिर एक पॉइंट ई मान लो, और कोई पूछे कि ये बताओ पॉइंट सी डी और ई में से कहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बोल दोगे?
है ना, कोई कंपैरिजन तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके जितनी स्पेसिंग लाइंस की पॉइंट सी पर है उतनी ही स्पेसिंग पॉइंट डी पर भी है और उतनी ही स्पेसिंग पॉइंट ई पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर और पॉइंट ई पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। दैट मीन्स आप ये बोलोगे कि इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। जितनी ताकत मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट सी पर है उतनी ही स्ट्रेंथ डी पर है, उतनी ही स्ट्रेंथ ई पर भी है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉन्ग सोलेनाइड्स के केसेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि जो भी आपके लॉन्ग सोलेनाइड्स होंगे उसमें इनसाइड पे जब आप जाओगे, उसके अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ फिर से, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये यूनिफॉर्म है और साउथ टू नॉर्थ होगा, ये एस टू एन, साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। बात आती है कि मैग्नीट्यूड भी तो बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका। तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, एक टोटल कितने टर्न है इसके अंदर और इसकी क्या लेंथ है और क्या करंट है, तीन चीजें डिसाइड करेंगी। नंबर वन इसमें कितना करंट है, नंबर टू कितने टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, एन टर्न है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। नंबर ऑफ टर्न और करंट इन दोनों पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी होगी। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज्यादा टर्न उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और इसको मैथमेटिकली हम लोग अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो मैथमेटिकली इसका जब फॉर्मूला निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा जाता है म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट एक सिंबल है, अभी आपको बताते हैं इसको ना, एक म्यू नॉट एक सिंबल है, मैं आपको बता रहा हूँ इसको, इसको हम ऐसे रीड करेंगे म्यू नॉट, ये इसको आप रीड करोगे और ये एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है और इसकी वैल्यू को डिफाइन किया गया है 4π × 10⁻⁷ और SI यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, बट अभी फिलहाल के लिए इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो आंसर आएगा म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनाइड, लेंथ ऑफ सोलेनाइड। बट एक पॉइंट देखना है यार, एक पॉइंट आप समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो लाइंस आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप सोलेनाइड की एंड पॉइंट की तरफ आओगे, मैं और प्रीवियस फिगर पे आता हूं, देखिए आप यहां ध्यान से देखना, आप इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना। सोलेनाइड के अंदर एक स्पेस है जहां पर ये कर्सर मूव कर रहा है, अंदर सोलेनाइड के अंदर, और सोलेनाइड के बिल्कुल एंड पॉइंट पर आओ, एंड पॉइंट पर क्या लगता है कि लाइंस की स्पेसिंग बिल्कुल एक जैसी है क्या यहां पर? ये जो लाइंस देख रहे हो आप, क्या इनके बीच का गैप जितना सोलेनाइड के अंदर दिख रहा है क्या वैसा ही उसके एंड पॉइंट पर है? नो सर। कहां पर ज्यादा है? सर बाहर एंड पॉइंट पे ज्यादा है। नहीं, स्पेसिंग ज्यादा है कि गैप ज्यादा है, मतलब सॉरी वो डेंसिटी ज्यादा है या स्पेस ज्यादा है उसमें? स्पेस ज्यादा। तो कहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए? इनसाइड, अंदर। साइड, अंदर, एंड पे कम हो जाती है, एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। तो इसी को हम लोग ये कहते हैं कि ये जो हम फॉर्मूला आपको दे रहे हैं ना, ये फॉर्मूला इनसाइड है, दैट मींस कि उसके नियर सेंटर, नियर द मिडिल पार्ट, जो सोलेनाइड का मिडिल पार्ट होगा, ठीक है। अब डेरिवेशन नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी। और जब एंड पॉइंट पर आ जाएंगे, बिल्कुल एंड पॉइंट पर, तो बाय टू का एक फैक्टर आता है। एट एंड पॉइंट पे जब जाओगे तो यहाँ पर बाई टू का फैक्टर होता है, ठीक है। प्रूविंग स्किप है, प्रूविंग के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्लास 12th, और वेट क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास 10th आपको पास करनी होगी और उसके बाद अगर पास हुए तब जा करके आप क्लास 12th में पढ़ पाओगे इसको। सो अपना 10th का एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए ताकि आपको 12th पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में म्यू नॉट एन आई बाई एल और आउटसाइड एंड पॉइंट पर इतना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज यहाँ तक? मतलब इसमें क्लियर क्या करना है, फॉर्मूला ही है तो इसमें क्लियर करने वाली ऐसी कोई चीज है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोलेनाइड है, लॉन्ग ही है ऑब्वियसली, लॉन्ग सोलेनाइड, क्योंकि स्मॉल का सिलेबस में भी नहीं है। अ सोलेनाइड लॉन्ग इज ऑफ 100 cm लेंथ
एंड कैरीज 500 टर्न्स, कैरीज 500 टर्न्स एंड ऑल्सो 2 एम्पियर करेंट. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड कैपिटल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनाइड. तो उसके सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर पूछी जाए कि क्या होगी तो करके बताओ. मैं कैलकुलेट, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताइएगा. फॉर्मूला सामने लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, ओपन बुक टेस्ट हो रहा है, चीटिंग कर सकते हो आराम से. बताइए सर, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है? अरे ऑब्वियसली करना है भाई, सब कुछ एसआई यूनिट में होगा, सब कुछ एसआई यूनिट में. सर 4 × 10 के पावर 10⁻⁴. यस सर, सेम सेम जैसे प्लान बोला. कितना आ रहा सर? 10⁻⁴ और 4π. तुमको क्या हो गया भैया, आज कोई हिंदी का टॉनिक पी लियो का? ऐसे 4π वो नहीं, मतलब 4 × π, पाई जो होता है. अच्छा मैं लेटने वाली समझ लगा, लेटने वाली 4π की बात कर रहे हो तुम? नहीं सर 4π. अरे उसको भी 4π कहते हैं भाई भोजपुरी में, जो वो नहीं होते मतलब उसको खटिया बोलते हैं, खटिया. यस सर यस, बड़ा मजा आता है. हाँ बेटा तुमको बहुत मजा आ रही है. चलो तो 88/7 × 10⁻⁴. अच्छा ये SSK ने बोला होगा सर. 4π वाला आंसर बढ़िया. हाँ अभी किसी ने लिखा है कि ये सरकारी स्कूल से भगाया गया है ये, इसीलिए इतनी हिंदी बोल रहा है. कभी ने लिखा है सर? 500 इंटू करेंट 2 और नीचे जो लेंथ होगा वो मीटर में लेंगे, तो 100 सेंटीमीटर है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर. दैट्स ऑल, इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगा, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो ये फॉर्मूला सिंपल सा है यार मैग्नेटिक फील्ड का. तो टोटल हमने 3 मैग्नेटिक फील्ड सब देख ली. पहले हम लोग कहता स्ट्रेट वायर्स का, लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स का, फिर हम लोगों ने देखा सर्कुलर वायर्स का, और अब आज के लेक्चर में आपने लॉन्ग सोलेनाइड को समझा है कि लॉन्ग सोलेनाइड की क्या मैग्नेटिक फील्ड है. एक मैग्नेटिक फील्ड में और आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की साइड आओ, और अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, अगर आप पिछली बार जो हम लोगों ने देखा था ना वो लॉन्ग वायर था, अब अगर शॉर्ट वायर की बात करें तो छोटा वायर है ना, छोटू वायर, तो छोटू वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अगर हमारे पास कोई छोटा सा वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि एक वायर है स्ट्रेट वायर है ना, और उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, कुछ भी करंट, ठीक है, उसको डिनोट कर सकते हो मान लो कैपिटल आई से, और हमको किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बट वायर की लेंथ फाइनाइट है ना, वायर की जो लेंथ, इसको MN का नाम दे, तो इसकी फाइनाइट लेंथ है, तो ऐसे वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला है, अगेन विदाउट डेरिवेशन. वो ये कहता है कि अगर आप पॉइंट पी से उस वायर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दें, पॉइंट पी से उस वायर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें, और फिर पॉइंट पी की मुलाकात वायर के एंड पॉइंट से करवा दे, मतलब कि पॉइंट पी को वायर के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दे. उसके बाद जो ये परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की है, और बाकी वो जो लाइन जो एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट, तो दो एंड होंगे, एक तरफ M वाला और एक तरफ N वाला. तो अगर परपेंडिकुलर और लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स में एक तरफ का एंगल अल्फा बन रहा हो और दूसरे तरफ का एंगल बीटा बन रहा हो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से डिनोट कर दें, तो हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, मतलब कि साइंटिस्टों ने ये कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब पॉइंट पी पर कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, तो बड़े बुजुर्गों का ये कहना है, उनका डेरिवेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ये लोग हमसे कहते हैं कि यार ये म्यू नॉट अपॉन 4π होता है. हमने कहा ठीक है, ऊपर आई लिख लो, ठीक है, कहते हैं नीचे डी कर देना, ओके, और फिर कहते हैं कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है, तो प्रूफ नहीं है फिर से एक बार, क्योंकि क्लास 10th है, बट अब ये चीज मैं ओलंपियाड को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के देख रहा हूँ, या फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप क्लास 11th में KVPY का एग्जाम्पल देते हो, मतलब KVPY का एग्जाम देते हो अगर नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में जाकर के,
तो वहां पर ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी, बिकॉज क्लास 11th में जब आप किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का पेपर दोगे, केवीपीवाई का एग्जाम दोगे, या फिर 11th में आप फिजिक्स ओलंपियाड दोगे, ठीक है, तो होता क्या है कि वो कहने को तो आप 11th क्लास में देते हो, लेकिन उसमें सिलेबस 12th का भी आता है। तो ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इसका जो पर्पज है, ये पर्पज लॉन्ग टर्म है, अभी इमीडिएट पर्पज नहीं मिलेगा आपको, इमीडिएटली इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बट अगर ये थॉरली आपने पढ़ लिया और ये नोट्स कैरी करते हो, संभाल के रखते हो, तो क्लास 11th के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, केवीपीवाई और एक फिजिक्स ओलंपियाड की बात करें, तो चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको ये उस टाइम पर याद रहे। सर आपने पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें आपने मतलब ये सेम था, बस वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10 की पावर 10 टू द पावर -7 लिखवाया था, वो क्या था? तो वो एक ही चीज है, इसी की वैल्यू है ना यार, अभी पीछे देखो मैंने क्या बताया आपको, इसी की वैल्यू है। एक्चुअली 10 पावर -7 कोई कांस्टेंट है क्या? हां हां, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्चुअली म्यू नॉट की ये जो वैल्यू है यहीं से प्रूफ होता है, इसी को आप कह सकते हो कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई जो होगा वो चीज 10 रेस टू द पावर -7 है। एक्चुअली ये बायर्ड सेवर्ट लॉ का एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस कांस्टेंट को बताया था कि जब भी आप डिराइव करोगे तो इतना कांस्टेंट आएगा। सर ये लॉन्ग वायर में नहीं यूज हो सकता? नहीं, ये शॉर्ट वायर्स के लिए, लॉन्ग वायर का तो पहले बता चुके हैं, लॉन्ग वायर का तो आप रिकॉल करो, मैं यहाँ पर दोबारा लिख दे रहा हूँ उसको, कोई बात नहीं, याद करिए, अगर वायर बहुत लॉन्ग है ना, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो उस केसेस में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो यार। देखिए लॉन्ग वायर में क्या फॉर्मूला था कि अगर हम लॉन्ग वायर है और उससे हम किसी पॉइंट पी पर हैं, और मान लो ये डिस्टेंस हमारा डी है या आर है, कुछ भी आर या डी जो भी लिख लो, चाहो आर लिख लेते हैं, तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू, अब उसको म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखो या 10 रेस टू द पावर -7 लिखो, वो एक ही मतलब है यार। क्या था याद करो जरा, आप याद है आपको यहाँ पर 2i डिवाइडेड बाय r, हाँ, तो ये अलग फॉर्मूला है, लॉन्ग वायर का अलग है और ये शॉर्ट वायर है, छोटा वायर है, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो ये न्यूमेरिकल शॉर्ट वायर का पहले दे चुके हैं, नहीं आप फिर से कर रहे हैं इसको फिर से, अब एक्चुअली वहां पर कंटिन्यूएशन में चल रहा है ना, तो अब ये पूरा एक साथ लेक्चर हो जाएगा आपका। तो ये जो रिजल्ट है, इसको सिंबल्स का मीनिंग क्या है, डी इसमें क्या चीज है, डी कौन सा डिस्टेंस हुआ, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हो, वहां से जो हमारे को वायर दिया जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे वायर के ऊपर, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसकी लेंथ जो होगी उसको हम स्मॉल डी कह रहे हैं। और अल्फा बीटा क्या है इसके अंदर, तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को दोनों उस वायर के जो एंड पॉइंट्स हैं, तो एक तरफ M वाला एंड है और दूसरी तरफ N वाला एंड है, तो हम उसको एंड से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जो एंगल्स बनेंगे वो अल्फा और बीटा बन जाएंगे। और ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिप्लेस करके 10 टू द पावर -7 लिख दो, आ जाएगा आंसर। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। कोई आपसे ये कहे कि एक वायर है, ठीक है, और उसमें मान लिया जाए कुछ करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पीयर का, और एक पॉइंट पी है यहाँ पर कहीं, उस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आती है, और पॉइंट पी को हमने वायर के दोनों एंड पॉइंट से कनेक्ट किया ऐसे करके, और ये लेंथ और ये मतलब ये एंगल सॉरी ऊपर की तरफ 60 डिग्री एंगल बन रहा और नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा वो 30 डिग्री बन रहा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था सिंपल आएंगे, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आएंगे आपके लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मूला बेस होंगे। तो फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, 10 रेज टू द पावर -7 लिखा, करंट 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर, और फिर साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो आप लिखोगे √3/2 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि टेस्ला में आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी टेस्ला में। क्लियर है पॉइंट आपको यहाँ तक? मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं कह रहा आपसे, yes, sir. और आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन की थैंक यू रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फॉर्मूला मेमोराइज कर लें,
तो इवन नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे ना तो भी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए, इलेवेंथ में नहीं आता, ट्वेल्थ में तो आता है, इलेवेंथ में वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा अब इसके बाद ये क्वेश्चन कहते हैं कि यार पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो बताओ, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ वैल्यू बताने से काम नहीं चलेगा ना हमारा, आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है। नॉर्थ नॉर्थ नहीं, मतलब आप जिस पेज पे आप देखो दो आंसर, या तो ये इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा। तो एक तरीका याद है, आपसे बताओ, आपसे देखो वायर्स के केस में पिछली बार हमने एक नया मेथड भी दिया था कि आप इस वायर को राइट हैंड में होल्ड करो, होल्ड इन राइट हैंड, कांग्रेस का निशान राइट हैंड में होल्ड करो और थंब रखो करंट की तरफ। तो जब आप थंब को ऊपर रखोगे, याद करो, तो इसके अराउंड सर्कल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, याद आ रहा वो लेक्चर? इसके अराउंड ऐसे सर्कल बन जाएंगे और उस सर्किल, हाँ उस सर्किल में जब टेंजेंट पॉइंट पी की तरफ पहुंचेगा तो पॉइंट पी का टेंजेंट अंदर चला जाएगा, कॉपी के अंदर, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो उसके अंदर, नीचे की तरफ, पेज के अंदर। आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ, और लेफ्ट साइड पे जाओगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, यानी आउटसाइड पर, लेफ्ट साइड आउटसाइड डायरेक्शन होगी। मतलब कि डायरेक्शन निकालने का लॉजिक स्मॉल वायर और लॉन्ग वायर का एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के फॉर्मूलेज अलग अलग हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग देंगे मुझे, है ना? ये क्वेश्चन अगर आप वाकई में समझ गए हो, जिसका मुझे डाउट है लेकिन फिर भी, तो आप मुझे बताना। मैं यहां पर एक स्क्वायर लूप लूंगा, एक लूप लेंगे जो स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है? मान लेते हैं स्क्वायर टाइप का एक लूप है, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं भाई? है भाई? चार। हाँ सही बात है, चार होती है ना। हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हो आपने। अब इसमें करंट है मान लो 10 एम्पियर का, ठीक है, और इसकी साइड लेंथ है, मतलब इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर इसका साइड लेंथ है। आपको बताना है कि सेंटर पे, स्क्वायर का जो सेंटर है वहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्क्वायर लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है? तो सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है? ट्राई करना है, तुम लोग को ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? यस सर। चलो करो, तो मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर बताना मुझे। ओके, तो ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, बेसिकली आप क्या करोगे, एक साइड का निकालो, मतलब कंसीडरिंग वन साइड, अगर मैं इसकी सिर्फ एक साइड को कंसीडर करूं और प्रीवियस स्टेप को फॉलो करना है, तो उस स्टेप में क्या कहा गया था कि मान लो राइट वाली साइड की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप एक परपेंडिकुलर लेके जाओ और इसकी लेंथ निकालो, तो ये लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको उस वायर के एंड पॉइंट से मिलाते हैं, तो जब आप इसको एंड पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो कितने कितने एंगल बनेंगे इधर, है ना? यहाँ पर 45 डिग्री स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाते हुए, और दूसरे साइड का एंगल भी कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। अब जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला है ये वाला, 10^-7 करंट की वैल्यू, डी की वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको यहाँ पर यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो 10^-7 करंट की वैल्यू 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो 3×10^-2 मीटर में, साइन अल्फा यानी कि साइन 45 डिग्री, 1/√2, साइन बीटा वो भी 1/√2। ये एक साइड का है और टोटल 4 साइड हैं इसमें, तो फिर पूरे स्क्वायर लूप का कैसे निकालेंगे, बाय ऑल 4 साइड्स, है ना, बाय ऑल 4 साइड्स। लेकिन एक बार ये इंश्योर करो, क्या चारों साइड्स की डायरेक्शन एक ही आएगी क्या, है ना? ये भी तो देखोगे यार। तो देखो मैं कुछ नाम रख दूं इनके, भाई बेनाम है अभी ये लोग, है ना, ये सब बेनाम है, तो इनको नाम दे दें यार, कुछ PQRS कर देते हैं। सबसे पहले
जब आप PQ को होल्ड करोगे, PQ को अपने राइट हैंड में होल्ड करके सर्कल बनाओगे, थंब ऊपर रख करके, PQ को राइट हैंड में होल्ड करो, थंब ऊपर रखो और सर्कल बनाओ, तो पॉइंट सी पर जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, किधर की तरफ डायरेक्शन आएगी पॉइंट सी पर, बाहर की तरफ आएगी, पक्का हो ना? हाँ कंफर्म कर लेना बच्चे, बता रहा हूँ। हाँ सर, मुंह पे एकदम डायरेक्ट, बिल्कुल। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, जरा आरएस को, आरएस को लपेटते हैं, आरएस को लपेटो जरा, तो आरएस को लपेटेंगे लेकिन थंब नीचे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इधर आएगा डायरेक्शन, थंब डाउनवर्ड करके अगर आप आरएस के चारों तरफ सर्कल बनाओ तो क्लॉकवाइज एरो आएगा कि नहीं आएगा? क्लॉकवाइज, तो ये जो क्लॉकवाइज एरो जब पॉइंट सी पर पहुंचेगा तो किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? चेहरे पे। अच्छी बात, चेहरे पे आएगा, बहुत बढ़िया, तुम आज बहुत मूड में लग रहे हो। चलो जरा वायर एसपी को पकड़ लो, वायर एसपी के चारों तरफ सर्कल बना के देख लो और थंब को रखना राइट साइड की तरफ, तो ये एरो ऐसे जाएगा, ये जब पॉइंट, ये भी इधर ही आएगा, इनफैक्ट क्या होगा, चारों वायर्स का डायरेक्शन सेम आ जाएगा, तो जब चारों साइड्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी और स्क्वायर है तो चारों साइड आइडेंटिकल हैं, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा तुमको वो बेसिकली जो ऊपर कैलकुलेट किया उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10^-7 इंटू 30/3 इंटू 10^-2 और यहाँ पर 2/√2। अब आप रेक्टेंगल का निकाल पाओगे अपने आप, क्या फर्क आ जाएगा उसमें, रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस हो जाएगा? लेकिन चारों साइड एक जैसी नहीं होंगी उसमें, है ना? ठीक है, तो ये आपका, और इसका आंसर आप लिख देना आउट ऑफ पेज, मतलब बाहर की तरफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से, मैंने बताया था आउट ऑफ पेज को आप डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, समझ आ रहा है? गले की स्क्वायर है, स्क्वायर था ये तो, सर्कल कर, अबे सर्कल जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है भाई, कृष्णा सिंह, कृष्णा सिंह महुआ हो गए हो क्या तुम? मनोज तिवारी। अच्छा अच्छा, तिवारी जी। चलो एक और प्रॉब्लम बताओ, अब फास्ट करिएगा इसका आंसर, है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पे क्या आएगा जल्दी से, ठीक है? मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में दे रहा हूं, या चलो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, 10 एम्पियर करंट और साइड जो है इसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड की लेंथ इसकी जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60-60-60 वाला, मतलब तीनों एंगल्स बराबर बने, सेंटर पॉइंट पर, इसके सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट, कितना होगा ये, लॉजिक समझ जाना। एक्चुअली क्या, जितने भी पॉलीगन होंगे तुम्हारे, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो ट्रायंगल हो, सर जी √3 × 10^-6, ठीक है? आप लॉजिक समझ गए ना, एक्चुअली मैं स्क्वायर और ट्रायंगल कराने का मतलब मैं आपको पॉलीगन का बता रहा हूँ कि किसी भी पॉलीगन को निकालो। सर ये सर इसका डायरेक्शन चेहरे के, चेहरे पे होगा। लेकिन निकालो कैसे, पहले आप किसी एक साइड को फोकस करो। चलो मान लो PQ को फोकस करते हैं तो क्या होगा, साइड PQ को फोकस करें तो साइड PQ पे आप परपेंडिकुलर लाओ पहले, अब ये लेंथ निकाल पाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट से किसी एक साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये लेंथ कितनी आएगी, मतलब इसको डी कहे अगर, तो ये डी निकल सकता है? three. अबे क्या, कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, मान लो उसको एम नाम दे दे, तो सीएम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन पता है तुमको कितना होता है, साइड और मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो? अबे क्या हो गया, निकलेगा हाँ तो क्या। अच्छा चलो ऐसे कर लो, आप पॉइंट पी से सेंटर को मिला लो,
है ना पॉइंट सर 30 डिग्री पे फिर निकालो तो यहाँ पर यहाँ 30 डिग्री एंगल बन जाएगा और ये जो पीएम होगा ये साइड का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो 10 30 डिग्री लगाओ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो गया डी और बेस हो गया 3 सेंटीमीटर का तो यहाँ से आपको डी निकालना पड़ेगा पहले वो 3 इंटू 10 30 ठीक है विच मीन्स रूट थ्री मतलब वो डिस्टेंस जो आएगी वो रूट थ्री की आ जाएगी ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हो सेंटीमीटर आएगा लेकिन यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है अब मैग्नेटिक फील्ड जब आप एक साइड का निकालोगे बाय वन साइड तो फॉर्मूला पे आते हैं चलते हैं फॉर्मूला क्या कहता है कि इट इज इक्वल टू 10 रेस टू द पावर माइनस 7 इक्वल टू 10 रेस टू द पावर माइनस 7 और देन यहां पर करंट वो कितना है 10 एम्पीयर और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस डी है रूट थ्री सेंटीमीटर है तो इंटू माइनस 2 मीटर में अब नंबर आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा का तो साइन अल्फा साइन बीटा कैसे होगा इसी सेंटर पॉइंट को आप एक बार पी पॉइंट से मिला लो और उस सेंटर को पॉइंट क्यू से भी मिलाओ और ये ऊपर वाले एंगल बताओ कितने कितने होंगे ये अल्फा दोनों 60 डिग्री होंगे तो साइन 60 डिग्री के हिसाब से चलेंगे रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू ठीक अब एक साइड का आ जाएगा तो बाय ट्राइंगल अगर निकालना होगा तो आपका आंसर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ट्रायंगल विल बी 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बाय वन साइड एक साइड का निकाल करके उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी बाहर की तरफ आंसर आएगा तो एक मैं तुम लोग को होमवर्क टाइप दे रहा हूं मतलब एक्सरसाइज टाइप का वो ये कि आपको रेगुलर पॉलीगन का निकालना है जैसे मैंने ये किया ना ऐसे ही आप मान लो कि एक पॉलीगन बनाए अगर हम ऐसे करके रेगुलर पॉलीगन अब आपकी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा इस तरीके से आप रेगुलर पॉलीगन बनाते चले जाओ ठीक है अ क्लोज्ड पॉलीगन टाइप का मतलब बना लें ऐसे तो ये मैं फिगर पे मत जाना ये बेसिकली एन साइड का पॉलीगन है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है और करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है ठीक है करंट आई फ्लो कर रहा और जो पॉलीगन का सेंटर पॉइंट है उससे पॉलीगन के किसी भी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है पॉलीगन के सेंटर से इसके वर्टेक्स का डिस्टेंस वो आर है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आपको बताना है क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आपको जो डेटा यूज करना है वो ये इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आई यानी करंट स्मॉल आर और बाकी तो कॉन्स्टेंट्स हैं जो भी आपको वो 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 7 है वो कॉन्स्टेंट भी यूज कर सकते हो बट आई और आर के फॉर्म में अपना आंसर बताना है तो ये आपके लिए असाइनमेंट है मतलब होमवर्क टाइप है इसको आप करेंगे अपने आप करो और क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी आपको मैथमेटिक्स क्या लगने वाली है कि वो आप हिंट कर दे रहे हैं आपको कि पॉलीगन के सेंटर से एन साइड का पॉलीगन है अगर उसके सेंटर से आप किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये लेंथ कैलकुलेट कैसे की जाएगी है ना रेगुलर पॉलीगन के लिए मैंने स्क्वायर ट्रायंगल बताया है आपको पेंटागन होता हेक्सागन होता ऑक्टागन होता तो हम क्या करते हैं इस तरीके से तो थोड़ा सा मैथ यूज करना ठीक है मैथ यूज करना पड़ेगा आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए उसके बाद किसी एक साइड को सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको और फिर इधर वाला एंगल अल्फा होगा और एक्चुअली जब दूसरे साइड से मिलाओगे तो भी आपको उतना ही एंगल मिलेगा तो आपके लिए टारगेट ये है कि क्या आप ये एंगल अल्फा निकाल पाओगे और उसकी भी हिंट दे रहा हूं टोटल एंगल सबटेंडेड बाय ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन एट द सेंटर पॉइंट पॉलीगन की सारी साइड्स का एंगल अगर आप सेंटर पे कैलकुलेट करोगे सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑल द साइड्स एट द सेंटर पॉइंट तो मेरे ख्याल से तुमको हिंट मिल जाएगी इसमें क्या करना चाहिए तुम्हें सर आसानी से हो जाएगा अरे बच्चा बाकी लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा जो बच्चे बैठे हैं ना उनको सोचने दो है ना अच्छा लगा वैसे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देख करके कि आसानी से हो जाएगा बट हाँ ट्राई करना और ये अगर एग्जांपल लेके निकालना जैसे कि पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन लेके फिर एक मतलब जनरल फार्मूला एंड जनरल फार्मूला एन को लेकर के निकालना है तुमको जनरलाइज फार्मूला निकालना है करना इसको और मैं बता दूं ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको वो बेसिकली फ्रॉम द बुक एक ये बड़ी है ना अच्छी अरे सर बहुत बड़ी बुक है वो नहीं बुक तो छोटी है मतलब उसके बुक बहुत छोटी है
और नाम बहुत बड़ा है तो, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस देखो बढ़ जाएगा, मैं इस क्वेश्चन को लगाओ ना तो आपका भी कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप कॉलर ऊपर करके बोलना मैं एरडो के क्वेश्चन लगाता हूँ, है ना, क्लास टेंथ में मैंने एरडो के क्वेश्चन लगाए, कॉलर ऊपर करके अपने दोस्तों को बोलना बिल्कुल सर आने वाले डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चा, अभी नहीं है ना, वेट करो इसको नेक्स्ट क्लास में आंसर बताई गई, या फिर आप अपने सॉल्यूशंस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है, मैं वेट करूंगा कि आंसर जो इसका आएगा आपकी वर्किंग होनी चाहिए, और अपना मुझे आंसर पोस्ट करना, मैं उसका वर्किंग को चेक कर लूंगा कि इसका आंसर क्या बन रहा है आपका, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये सब एड ऑन है, मैं बता रहा हूँ एड ऑन है आपका, क्लास टेंथ के बियॉन्ड जा रहा हूँ मैं, क्लास टेंथ के बियॉन्ड एड ऑन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और एक फाइनल रिजल्ट, और सर्किल के लिए हम लोगों ने फील्ड निकाला था, आपको याद है कितना है मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सर्किल की बात करें, बाय सर्कुलर लूप, याद है पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था ये, 2 pi i 10^-7 क्या था उसके आगे 2 pi i by r. अच्छा, इसको अगर हम म्यू नॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो, अगर इन फॉर्म ऑफ म्यू नॉट देना चाहें तो क्या होगा, अगर इस आंसर by 4 pi. नहीं देखो क्या था ना, एक्चुअली जो म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू थी 4 pi × 10^-7, और यहाँ पर आपके पास 2 pi × 10^-7 है, तो अगर आप इस आंसर को म्यू नॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस आंसर को म्यू नॉट के फॉर्म में लिखा जाए, तो क्या ये ऐसा नहीं होगा म्यू नॉट अपॉन 2 × i/r, बोलो सही लिख रहा हूं मैं, बोलो भाई कहां चले गए तुम लोग, यस सर सही, ठीक है बच्चा, ये जल्दी करो तो आगे बताएं इसके, यस सर, चलो अब हम लोग इसी का एक और पार्ट देखना चाहेंगे कि अगर हम सर्किल को पूरा ना लें, लाइक मतलब पार्ट ऑफ सर्किल लें तो, है ना, ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, अगर हम पार्ट ऑफ सर्किल की बात करें, सर्किल का कुछ पार्ट, जैसे कि सेमी सर्किल हो मान लो, पूरा सर्किल नहीं है सेमी सर्किल, और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और उसके सेंटर पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या आंसर आएगा भाई, है ना, सेमी सर्किल हुआ तो क्या आंसर बनेगा, तो इसका इसका कंसेप्ट यूनिटरी मेथड वाला है, आपको पूरे सर्किल का पता है, यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सेंटर पर निकालना चाहते हो तो पहले कंप्लीट सर्किल वाला फॉर्मूला देखो, कंप्लीट सर्किल का जो फॉर्मूला है वो ये, तो यूनिटरी मेथड फॉलो करना है तुमको, यूनिटरी मेथड कि भैया पूरे सर्किल का ये आंसर है तो आधे का क्या होगा, है ना, समझ गए क्या बन जाएगा ये, बाय ये तो फुल सर्किल का है, और सेमी सर्किल मतलब हाफ ऑफ फुल सर्किल, तो इसी रूल को फॉलो कर लो, हाफ मल्टीप्लाई कर दो इसमें, फुल सर्किल वाले फॉर्मूले में हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया सेमी सर्किल का, कहीं पर मान लो क्वार्टर सर्किल है, जस्ट क्वार्टर सर्किल, क्या आंसर बनेगा इसका अगर क्वार्टर सर्किल लेते हो सिर्फ आई, ये बताओ ना क्वार्टर सर्किल पूरे सर्किल का कितना होता है, कितना फ्रैक्शन, एक चौथाई सर, एक चौथाई, 1/4 हो गया, हाँ जी ऋषभ ठीक है, तो 1/4 कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालने के लिए पहले पूरे सर्किल का निकाला म्यू नॉट आई बाई टू आर, और फिर उसको 1/4 कर दीजिए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको जरा जनरलाइज कर सकते हो,
इसको जनरलाइज कर पाओगे अगर मैं सर्किल लूं, मतलब पार्ट ऑफ सर्किल थीटा बाय 360 थीटा बाय 360 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हां मतलब एक आर्क लेते हैं मान लो, और ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कुछ मान लो थीटा है और रेडियस आर है। अब बताओ म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू थीटा बाय 360 2r हो गया, तो ये फुल सर्किल है। और फ्रैक्शन निकाल लो आप, तो फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो, थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, क्या ये सही नहीं है? थीटा अपॉन 360 से तो फ्रैक्शन आएगा इसका। यस, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये थीटा डिग्रीज में रखना है ना, क्योंकि आगे आपको बताएंगे एंगल का एक और यूनिट होता है रेडियंस। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर तुम्हें, जी ऋषभ ठीक है फॉर्मूला सही है तुम्हारा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बताना मेरा क्या आंसर बनेगा, ठीक है? केयरफुली बताना, ठीक है? बहुत आराम से सोच के बताना। तो हमारे पास एक सर्किल है, मतलब सर्किल नहीं सॉरी आर्क, पूरा सर्किल नहीं है, और ये एंगल बना रहा है आपको एट द सेंटर पॉइंट 60 डिग्री का। जल्दी से आंसर दीजिएगा, रेडियस इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और करंट इसमें फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर का। बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पॉइंट पर क्या लिखेंगे? तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अब, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू, वो वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ - 7 / 2r / 2 रेडियस 0.1 मीटर में, ऊपर करंट यानी कि 20, थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा ये, इतना आंसर आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना? क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए जरा पीछे के कुछ पेजेस की तरफ आओ, प्रीवियस क्लासेस की पेजेस पे। सर्किल के केस में आपसे ये कहा गया था कि जब आप सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, सेंटर पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है वो सर्किल के आर पार जाती है, सर्किल के आर पार यानी कि उसके एक्सिस के अलोंग। सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्किल के आर पार यानी कि उसके एक्सिस के अलोंग। तो यही कंसेप्ट यहाँ फॉलो कर लीजिए, ये सब एग्जांपल ध्यान करो, ये सब एग्जांपल जो प्रीवियस क्लास के थे इनको फॉलो करिएगा कि सर्कल्स में डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। तो इन डायरेक्शंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो अपवर्ड इधर आएगा बच्चा, सर अपवर्ड मतलब कि देखिए अगर आप इस सर्किल को हाइपोथेटिकली पूरा कर दो, इमेजिन करो कि ये सर्किल पूरा हो जाएगा हाइपोथेटिकली, तो इस सर्किल के आर पार की एक लाइन बनानी पड़ेगी जो इस सर्किल के आर पार जाए, मतलब इस एक साइड से दूसरे साइड निकल जाए। अब इसमें किस तरफ होगा, इसमें मैं पॉइंट वन और पॉइंट टू लिखता हूँ। देखो इसमें मैं दो पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे बताना है कि क्या वो पॉइंट वन की तरफ होगा या पॉइंट टू की तरफ होगा। वन की तरफ है ना, याद आया? तो आपको कहा गया था करंट के साथ साथ अपनी फिंगर्स को बंद करो, करंट के साथ साथ अपनी राइट हैंड फिंगर्स को लेके जाओ और देखो कि थंब किस तरफ आता है, वन की तरफ या टू की तरफ, किस तरफ आएगा ये बोलो। वन की तरफ, वन की तरफ, फर्स्ट रैंक लाइट, तो यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इसी को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। ठीक है जी, yes. अच्छा यहाँ पर जो पाई रखेंगे इसको भी बता दे रहे हैं आपको, ये जो पाई रखोगे इसमें भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये पाई जो है वो 360 नहीं है, ये जो पाई है वो बेसिकली 22/7 या फिर आप सिंप्लीफाइड वर्जन में 3.14 जो भी, हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ 22/7 को, बिकॉज 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पाई की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्लियर हो गया बच्चा आप लोग को यहाँ तक का कंसेप्ट? बोलो भाई एग्जाम्पल क्लियर है ना, अब इनकी प्रैक्टिस करो। अब अगली क्लासेस में ना हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में,
कि एक वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, फिर फोर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर मोटर की वर्किंग देखेंगे, थोड़ा सा और एडवांस साइड की तरफ जाओगे। बट उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि आप ये सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लें पूरी तरीके से, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में फायदा होगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ वाला क्लॉक फेज रूल होता है ना? हाँ, वैसे भी देख सकते हैं नॉर्थ साउथ से भी। सर क्लॉक फेज रूल कहते हैं ना? हाँ जी सर, क्लॉक फेज रूल कहते हैं ना? हाँ। चलें जी बच्चा, अलविदा, है ना? नमस्ते, चलिए, यस सर, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।